क्लास 12 का रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर अपना बिलियन चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ लिया था कल, बिलियन क्या होता है और बिलियन के घटक क्या होते हैं, विलायक और विलय के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे बिलियन के प्रकार। ठीक है, यहाँ आपको 101% जितना भी कंटेंट बोर्ड में होता है, एमपी बोर्ड में, सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो बताया जा रहा है उसे लिखना है ध्यान से, कॉपी बनानी है फिर कॉपी अच्छे से, और फिर उसको 100% याद करना है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके प्रीवियस ईयर के, है ना। चलो अब बिलियन के प्रकार देखते हैं क्या होता है। देखो बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, गैसीय बिलियन, ठोस बिलियन और द्रव बिलियन। अब ऑब्वियसली बात है, तीन तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। कौन कौन सी? गैस अवस्था, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। तो उसी के आधार पर बिलियन के प्रकार हैं। गैसीय बिलियन की बात करते हैं। गैसीय बिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, तुम सोचो गैसीय बिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? जिसकी अवस्था कैसी रहेगी, गैस रहेगी। मतलब वो दिखने में कैसा दिखेगा, गैस जैसा दिखेगा। मतलब वो एक तरीके से उसकी भौतिक अवस्था गैस होगी। अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी तीन, तो तीन प्रकार के होते हैं वैसे। देखो पहला वो जब हम गैस को गैस से मिला देंगे, हमने एक गैस ली उसको दूसरे गैस के साथ मिला दिया। जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन ली और ऑक्सीजन को हमने नाइट्रोजन के साथ मिला दिया, तो ये जो मिश्रण बनेगा ये समांगी होगा। कैसा होगा? समांगी होगा। ठीक है, समांगी क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अलग अलग तो दिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा गैसीय विलयन, गैसीय विलयन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई एक बात, क्योंकि गैसीय अवस्था में है। दूसरा हम चाहें तो गैस, जैसे कि हम ऑक्सीजन यानी हवा में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण में हवा में अगर हम क्लोरोफॉर्म का स्प्रे कर दें, ये क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3। इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो सिर्फ कॉपी ही नहीं, मतलब कॉपी में जो बताऊंगा वो ही नहीं, आपको जो क्लास में बता रहा हूँ मैं बीच बीच में वो भी आपको लिखते जाना है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है ये, ठीक है, एक ना एक साल छोड़ के आया हुआ है। तो क्लोरोफॉर्म जब पानी में, क्लोरोफॉर्म पानी लिक्विड जैसा होता है एकदम, द्रव होता है द्रव, उसको जब हम गैस से मिला देंगे, हवा से मिला देंगे, तब जो मिश्रण बनेगा उसमें भी हमें समांगी मिश्रण ही दिखेगा। ये भी हम कैसे दिखेगा? समांगी ही दिखेगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गैसीय मिश्रण हुआ। अगर हम तीसरा क्या करें, गैस को ठोस के साथ मिलाएं, जैसे कपूर है, कपूर है, कपूर के साथ अगर हम गैस को मिला दें, यानी कपूर को हम उड़ा देते हैं हवा में, उड़ा देते हैं, कपूर उड़ जाता है हवा में, तो वो जो बिलियन बनता है वो भी समांगी मिश्रण ही होता है। समांगी मिश्रण, मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। कल जब डेफिनेशन करी थी हमने देखा था, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होना चाहिए तभी बिलियन होता है। तो गैसीय अवस्था में अपने पास कितना हो गया, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ समांगी मिश्रण, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म के साथ समांगी मिश्रण, और गैस का ठोस यानी कपूर के साथ समांगी मिश्रण। तो गैसीय बिलियन हमारा कितने टाइप का होगा, तीन टाइप का होता है। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं। देखो जिस विलयन में गैस विलायक हो, यानी गैस अधिक मात्रा में होनी चाहिए, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। इसकी भौतिक अवस्था भी कैसी होगी, गैसीय होगी। अब देखो गैसीय विलयन है अपने पास, अब गैसीय विलयन में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाया, गैसीय विलयन बनाया तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलाया तो उसका एग्जाम्पल हो गया, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन के साथ मिलाया तो उसका द्रव वाला एग्जाम्पल हो गया, और कपूर को जब ठोस को मिलाया हमने गैस के साथ तो उसका उदाहरण हो, यानी कि तीनों के तीनों उदाहरण किसके हैं, गैसीय विलयन के हैं। एक बार हमने गैस मिलाई है, एक बार हमने गैस में द्रव मिलाया है, और एक बार हमने गैस में ठोस मिलाया है। ये एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में आएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अब हम बात करते हैं ठोस विलयन की, फिर हम देखेंगे द्रव विलयन, है ना। तो देख लेते हैं ठोस, देखते हैं ठोस। तो अपने पास ठोस विलयन कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का, अगेन तीन प्रकार का होगा। ठीक, कैसे? जब हम ठोस में गैस मिला दें, कोई गैस ले और ठोस में मिला दें, तो जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को हम किसके साथ मिला दें, एक धातु होती है पैलेडियम, पैलेडियम एक धातु होती है, ठीक है, पैलेडियम है, निकिल है और प्लेटिनम है, ये धातु होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक, आवर्त सारणी में अपन 11th क्लास में पढ़ा होगा, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं,
ठीक है, पैलेटियम निकल और प्लेटिनियम, इनको जब हाइड्रोजन गैस के साथ हम मिश्रण करते हैं इनका, तो हाइड्रोजन गैस जो है इन पर चिपक जाती है और वो समांगी दिखने लगता है। दोनों कैसे दिखने लगते हैं? समांगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? ठोस में हमने क्या घोल दिया? गैस घोल दी हमने, है ना। तो ये हो जाएगा अपना विलयन। तो गैस हो सकती है जो घुलने वाली है, वो गैस हो सकती है। दूसरा हो सकता है घुलने वाला ठोस, ठोस में ठोस को मिला दिया जाए। जैसे हम एक धातु को दूसरी धातु के साथ मिला देते हैं, जैसे हमने कोई धातु ले ली, कोई सी धातु ले ली, कॉपर ले लिया और हमने चांदी ले ली। कॉपर क्या होता है? तांबा। तांबा होता है ये क्या होता है? चांदी होती है, ठीक है। तांबा और चांदी को हम मिला दें आपस में तो मिश्र धातु बन जाएगी। इसे हम क्या बोलेंगे? ठोस का ठोस में विलयन बन गया, वो अलग अलग नहीं दिखेंगे वहाँ, ठीक। और हमने हम क्या करेंगे, अब गैस को मिला चुके, ठोस को मिला चुके, अब द्रव को मिला देंगे। द्रव को मिलाने से एच जी है मर्क्यूरी। एच जी क्या होता है? तांबा। एच जी मर्क्यूरी होती है, ठीक है। पारा होता है जो कि थर्मोमीटर में यूज़ होता है, पारा, ठीक, सबने देखा होगा थर्मोमीटर। दूसरा क्या होता है, इसमें हम सोडियम को मिला दें जो कि ठोस है। तो हमने द्रव में, द्रव को कैसे मिला दिया? ठोस में मिला दिया, ठीक। ठोस ज़्यादा मात्रा में लेंगे हम और द्रव कम मात्रा में लेंगे। तो इस तरीके से तीन प्रकार का ठोस विलयन हो जाता है ना। आपको लिखना है इस तरीके से, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम, हाइड्रोजन मर्क्यूरी के साथ सोडियम और तांबा के साथ अपन चांदी को मिला दिया, ठीक। एंड लास्ट में अपने पास आता है द्रव विलयन। ये तो सभी जानते हैं, और द्रव विलयन तो मैंने देखा है, नॉर्मल कॉमन यूज़ करते हैं अपन। द्रव विलयन क्या होता है, देखो द्रव विलयन क्या होता है, ये भी तीन टाइप का होगा, ठीक। कैसे? एक बार अपन क्या लेंगे, द्रव में द्रव मिला देंगे, एक बार द्रव में मिला देंगे गैस मिला देंगे, और द्रव में मिला देंगे एक बार ठोस, ठीक है ना। अब बताओ, द्रव में द्रव तो बहुत मिलाया है अपन ने, तभी तो मतलब, ठीक है, सामान अभी तो बनेगा ना, द्रव में द्रव मिलाएंगे तभी तो सामान बन पाता है, देखता है ना। तो कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि अपन मान लो नींबू का रस मिला दी, और कोई भी रस मिला सकते हो वैसे तो, है ना, और पानी मिला दो, ये हो गया। गैस की बात करें तो ऑक्सीजन तो घुली हुई है जल में, तभी जलीय प्राणी सांस ले पाते हैं। जलीय प्राणी क्यों सांस ले पाते हैं? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन घुली है, ठीक। और ठोस की बात करें तो ठोस को जल में घोलना, शक्कर को जल में घोलना, ठीक। तो ये समांगी मिश्रण बन जाते हैं सारे। तो ये हो गया अपना तीसरा एग्जांपल भी। तो अपन ने ये पूरे एग्जांपल मैंने देख लिए हैं, तीन प्रकार के ठोस पढ़ लिए, इससे एक ऑब्जेक्टिव आपका, एक ओटी आपका आ जाएगा बोर्ड में यहाँ से एग्जांपल से, है ना। और ऐसे धीरे धीरे अपन सारा कवर करते जाएंगे, कोई कठिन बात नहीं, कोई सारी चीज़ें सिंपल हैं। हमें ये भी बता देता, ये भी थ्योरी लिखी है ऐसी चीज़ की, है ना, इसको लिख लेना। देखो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक देखो, तो ये आप लिख लेना, ठीक। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का गैस मिश्रण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस मिश्रण, कपूर का नाइट्रोजन और गैस में विलयन, धुआं, ये सब चीज़ें लिख लेना। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई एथेनॉल, जल में घुली हुई ग्लूकोज, हाइड्रोजन का, पैलेडियम का विलयन, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, ठीक। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में।